हाय एवरीवन दिस इज़ वोनिका आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि एक अबैंड रॉकेट जो है वो मून की सतह से टकराया है और एक होल वहाँ पे हुआ है इसको लेकर हम डिटेल में डिस्कशन जो है वो करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा Uh, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि महिला दिवस के अवसर पे आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो थ्री थ्री इससे आपको दो बेनिफिट होंगे जो आज के दिन के लिए वैलिड है थर्टी थ्री परसेंट एक तो आप, एक, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा प्लस आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी तो यू कैन यूज़ दिस कोड वीरो एंड इट इज़ वैलिड ओनली फॉर टुडे अब देखिए मून पे बहुत सारा जो स्पेस जंक है इस बार अगर आप देखेंगे जैसे टकराया है एक पंच जैसे हम किसी को मारते हैं उस तरीके से और वहाँ पे एक क्रेटर यानी एक खड्डा जो है वो बन गया है अब ये खड्डा इतना बड़ा है कि बहुत सारे सेमी ट्रेलर्स भी यहाँ पे फिट आ सकते हैं इस तरह के साइंटिफिक अनुमान जो हैं वो लगाए जा रहे हैं आप प्रिंट मीडिया में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि तीन टन रॉकेट ऑलमोस्ट तीन टन जिसका वेट हो उतना वेट का रॉकेट जो है वो स्मैश किया है यानी टकराया है जाके मून की सरफेस से फार साइड पे ये चीज हुई है फार साइड यानी मून की फार साइड हम किसको बोलते हैं जो अर्थ से नहीं दिखती जो डार्क रहती है ओके okay? अब जो लेफ्ट ओवर रॉकेट है वो अराउंड 9300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टकराया है यहाँ पे देखिए रॉकेट तो कभी पूरा हुआ हुआ होगा है ना जब उसको कभी लॉन्च किया होगा किस भी पर्पज से लॉन्च किया है उसके बाद जो लेफ्ट ओवर उसका बचा वो जाके स्मैश किया ये घटना है 11:25 पीएम फ्राइडे फोर्थ मार्च की 2022 की बात हम कर रहे हैं टेलीस्कोप से ये देखा गया अब काफ़ी थोड़ा हफ्ते महीने लग सकते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है कितना बड़ा क्रेटर खड्डा वहाँ पे हुआ है क्या नुकसान हुआ है सैटेलाइट इमेजेस से जब तक हमें पता लगाते थोड़ा वक्त अभी इसमें लगेगा अब ये जो रॉकेट है काफ़ी समय से स्पेस में यूँ ही टहल रहा था क्योंकि इसका कोई यूज नहीं रहा होगा अब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चाइना ने लॉन्च किया था कुछ दस साल पहले बट चाइनीज ऑफिशियल्स जो हैं वो इसको अपना नहीं बता रहे दे आर इन डाउट कि उनका नहीं है नो no मैटर ये जो साइंटिस्ट इस जिस ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट टेन टू ट्वेंटी मीटर्स जो इतना उसने होल यहाँ पे किया होगा और मून की जो उससे मिट्टी उड़ी होगी वो बहुत किलोमीटर्स तक उड़ी होगी क्योंकि जहाँ पे भी कोई चीज़ टकराएगी वहाँ पे ऑलरेडी जिस तरह की सतह है वहाँ पे क्या मटेरियल है वो उड़ेगा वहाँ पे टकराने के बाद अब अगर हम लो ऑर्बिटिंग जंक की बात करें अब एक टर्म आती है आपकी स्पेस जंक स्पेस जंक हम किसको बोलते हैं अब ह्यूमंस हम लोग स्पेस में काफ़ी एडवांसमेंट कर रहे हैं सैटेलाइट्स लॉन्च करते रहते हैं रॉकेट्स लॉन्च करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे चलते हैं अब उनकी कोई ना कोई लाइफ स्पैन होती है और लाइफ स्पैन के बाद वो चीज़ें काम नहीं आती और जंक की तरह वेस्ट की तरह वो स्पेस में ही रहती हैं जिसको हम स्पेस जंक बोलते हैं अगर ऑर्बिट अर्थ के लो ऑर्बिट स्पेस में ये जंक ये वेस्ट मटीरियल हमको मिलता है तो हम इसको ट्रैक कर लेते हैं कि ये कहाँ पे जा रहा है कहाँ टकराएगा लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हमने बहुत डीप स्पेस में लॉन्च किए हैं उनको ट्रैक करना मुश्किल होता है और वो किस चीज़ को हट हिट करेंगे कब करेंगे एक तो हम भूल भी जाते हैं जब उनका पर्पस ख़त्म हो जाता है जो उनका यूज़ जिस यूज़ के लिए उनको भेजा गया वो ख़त्म हो गया तो भूल भी जाएंगे उनको ट्रैक नहीं किया जाएगा बट येस देर आर सम पीपल कुछ लोग हैं जो जिनकी थोड़ी क्यूरोसिटी ज़्यादा होगी सेल्शियल डिटेक्टिव कह लो वो थोड़ा देखते रहेंगे कि ये स्पेस जंक क्या कर रहा है अब स्पेस जंक का टॉपिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है कि इवेंचुअली बहुत सी चीज़ें ख़तरा है फ्यूचर में टकरा सकती हैं और कभी अभी तो जैसे मून पे जाके टकराया अगर सोचो ये हमारी किसी ऐसी सैटेलाइट के साथ टकराता जो अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सपोज सेलुलर कवरेज दे रही है तो बहुत नुकसान होगा उस कंपनी को भी और और ज़्यादा डेबरी जो है जंक जो है वो स्पेस में क्रिएट होगा तो ये एक अन इंटेंशनल शायद जब हमने ये सब लॉन्च करना शुरू किया था कभी इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं होगा कि ये स्पेस जंक इस तरीके से बाकी चीज़ों के साथ टकराना शुरू कर सकता है टू में नासा के लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सेटेलाइट अन इंटेंशन इसको इंटेंशनली मून uh, के साउथ पोल पर भेजा गया था और वहाँ से हम कुछ चीज़ें इकट्ठी करना चाहते थे वाटर के बारे में पढ़ना चाहते थे नासा का एक डिस्पोज अपोलो प्रोग्राम था सैटन वी रॉकेट्स उसको भी मून पर भेजा गया और अब कन्फ्यूजन ये है कि आइडेंटिटी जब कोई चीज़ की ज़रूरत हमको नहीं रहती तो यहाँ पे पता लगता है उनकी आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी भी हमको याद नहीं रहती कि ये किस लिए भेजा और उसको मिस्टेक कर सकते हैं कि कोई अर्थ थ्रेटनिंग एस्ट्रॉइड तो नहीं क्या हमारा ही भेजा हुआ कुछ है तो ये जो डेबरी अब स्पेस में कलेक्ट हो रही हैं इनको क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है अब स्पेस जंक की बात करें जो स्पेस डेबरी हैं ये आ, स्पेस डेबरी क्या है कोई भी किसी भी सैटेलाइट रॉकेट जो ह्यूमंस ने भेजा है उसका बचा हुआ हिस्सा बची हुई मशीनरी तो वो स्पेस जंक कहलाएगा अब ये ऑब्जेक्ट साइज में बड़े भी हो सकते हैं जैसे डेड सैटेलाइट्स हो गए जो फेल हो गए ये ऑर्बिट में ही रह गए उनका मिशन खत्म हो गया या छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं जो किसी से टकरा के पीछे छोटे छोटे टुकड़े बचे तो कुछ भी हो सकता है फॉलन ऑफ रॉकेट हो सकता है ह्यूमन मेड जंक जो है वो मून पे भी हमको इन्फैक्ट पड़ा हुआ मिलता है क्योंकि हम बहुत सारे मिशन इस तरह से करते रहते हैं अब स्पेस जंक के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो दो एक्टिव सेटेलाइट सिस्टम अर्थ के ऑर्बिट पर हैं थ्री डेड सेटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में है डेड यानी अब उनका कोई यूज नहीं है 34000 पीसेस जंक के जो कि 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं वो आपको मिलेंगे 128 मिलियन पीसेस स्पेस जंक के जो 1 मिलीमीटर mm से बड़े हैं वो स्पेस में हैं और हजार में से एक का ये रिस्क है कि वो टकरा सकता है और पच्चीस तरह के इस तरह के डेबरी अवॉइडेंस वेन्यूर्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो अवॉइड कर चुका है 1999 के बाद कि कुछ ना कुछ टकराने का कोलिजन का खतरा रहता ही है तो इस आ, पिक्चर में आप देख सकते हैं कितने एक्टिव हैं ट्रैक्ड ऑब्जेक्ट्स कितने हैं और कितने सेंटीमीटर साइज के हिसाब से बता रखा है कि वेस्ट मटेरियल स्पेस में है यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड लुक इन लुक डीपर इनटू इट कि आपको पूरी चीज़ जो मैंने पीपीटी में बताई वो आपको समझ में आएगी यहाँ पे मैं एक सिंड्रोम के बारे में मेंशन करना चाहूँगी जिसको कैसलर सिंड्रोम कहते हैं देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मे बी अ न्यू टर्म फॉर यू एंड स्पेस डेबरी प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये इस तरह का सिंड्रोम है कि एक सिंड्रोम इसको लिखा जा रहा है बट बेसिकली इट इज़ अ फेनोमेना इसमें जो जंक ऑलरेडी ऑर्बिट में है अर्थ के आगे पीछे वो अगर सपोज करो कि ये वेस्ट मटीरियल बचा है ये भी वेस्ट मटीरियल बचा है ये एक दूसरे से टकराएंगे ये और छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे इनके तो ये और ज्यादा डेबरी क्रिएट करेंगे सो दिस इज वॉट इट मीनस कि ये जो ऑलरेडी डेबरी है वो और ज़्यादा स्पेस डेबरी क्रिएट करेगा ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सैटेलाइट्स, एस्ट्रोनॉट्स और मिशन प्लानर्स के लिए भी हो सकती है आपस में टकराने से तो हो ही सकती है लेकिन ये हमारी किसी यूजफुल सैटेलाइट से टकरा गया हमारे किसी मिशन रॉकेट से टकरा गया तो और ज़्यादा डेबरी भी क्रिएट होगी और हानिकारक भी हो सकता है तो ये इस तरह की कंडीशन है जहाँ पर एक कोलिजन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक मल्टीपल स्पेस कोलिजन क्रिएट कर सकता है तो इसको समझिए कि काफ़ी चीज़ें हैं जो स्पेस में हैं वो एक ऑर्बिट में हो सकती हैं अगर इनमें से एक चीज़ भी आपस में टकराई तो इनके टकराने की जैसे आपने देखा होगा ना इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि किसी हाईवे पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही होती हैं राइट तो अगर इतनी तेज़ में होती हैं अगर एक गाड़ी ब्रेक मार देती है अचानक पीछे वाले उससे टकराएगी उससे पीछे, पीछे वाली उससे टकराएगी उससे पीछे वाली नेक्स्ट वाली से टकराएगी तो इस तरह से ये कैस्केड ऑफ मल्टीपल स्पेस कोलिजन्स जो है वो शुरू हो सकता है कि अगर एक चीज़ टकराई तो बाकी भी एक दूसरे से टकरा सकती हैं लो अर्थ ऑर्बिट की हम बात करें तो दिस इज योर कैसलर सिंड्रोम और इससे और ज़्यादा स्पेस डेबरी जो है वो इन कोलिजन्स ऑफ जो बिटवीन ऑब्जेक्ट्स होगा वो क्रिएट होता जाएगा नासा के एक्सपर्ट डेबरी एक्सपर्ट थे डॉन कैसलर उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि किस तरह का क्रिटिकल मास और टोटल अमाउंट जो स्पेस डेबरी का है वो कितना इंक्रीज होता रहेगा कोलिजन से और ज़्यादा डेबरी इंक्रीज़ होंगे और ज़्यादा कोलिजनस होंगे और ये एक चेन रिएक्शन जैसे होता है ना एक चेन रिएक्शन बन जाएगा सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द स्पेस ये एक अर्जेंट चीज़ है अब कोई बड़ा हादसा हो हम उसका वेट करें उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो जितने भी स्पेस स्टेशन हैं या स्पेस में जो लोग काम कर रहे हैं एक्सपर्ट्स इस पर कुछ फ़ैसला लें तो दिस शुड बी वर्कड अपॉन अर्जेंटली कि कितना खतरनाक हो सकता है ये सवाल हमारे मन में आएगा तो देखिए हर पीस जो सैटेलाइट का है स्पेस प्रोप का है मैं मिशन का है उसमें पूरा पोटेंशियल है कि वो स्पेस डेबरी बन सकता है एक डेड सैटेलाइट उसके पास कहीं भी और जाने के लिए नहीं है क्योंकि अब उसका काम ख़त्म हो गया सो so, वो ऑर्बिट में ही रहती है जब तक हमारे पास ग्राउंड पे कोई और रीजंस नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करने के और कोई तरीके नहीं है अब एस्टिमेट्स दिखाते हैं अराउंड सिक्स लाख ,00 पीसेस स्पेस जंग के वन सेंटीमीटर टू टेन सेंटीमीटर मतलब ऑन एन एवरेज वन सैटेलाइट डिस्ट्रॉय होती है स्पेस डेबरी की वजह से हर साल ऑलरेडी तो नुकसान तो हो ही रहा है लेकिन इससे और ज़्यादा डेबरी इंक्रीज हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो रहे हैं है, और स्पेस एक्सप्लोरेशन भी हमारे लिए कल को मुश्किल बना सकता है सो दिस कैसलर सिंड्रोम इज़ डेंजरस क्योंकि डोमिनो इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक चीज़ गिरेगी तो सब चीज़ें गिरने लग जाएंगी तो कभी ऐसा हो कि हमारी बहुत यूज़फुल सैटेलाइट्स ख़राब हो जाएँ हमें तब तक का वेट नहीं करना चाहिए सो दिस वॉज ऑल अबाउट पहले भी मैंने एक टॉपिक स्पेस जंग पर रिसेंटली बनाया था बट ये थोड़ा अलग है उससे यहाँ पे कुछ नई टर्म्स हमने डिस्कस की क्वेश्चन आपके लिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द मून राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन सोलर एक्लिप्स मोशन ऑफ कॉमेंट्स ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं कोर्सेज के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल है और आप मेरा डिस्काउंट कोड वीरो थ्री थ्री यूज कर सकते हैं टू तो गेट थिट्टी थ्री परसेंट डिस्काउंट और आज के दिन डबल वैलिडिटी भी आपको मिलेगी थैंक यू सो मच